नमस्कार दोस्तों, इंस्टॉलर गुरु यूट्यूब चैनल के और एक फ्रेश एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुदीप। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से फायरवॉल रूल के बारे में देखेंगे। फायरवॉल पब्लिक रूल यानी कि वैन टू लैन के बीच में हम लोग कैसे राउटिंग एंड नेटिंग कर सकते हैं फायरवॉल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सपोज फायरवॉल में लॉगिन करने के बाद हम लोग रूल्स एंड पॉलिसी के अंदर आएंगे। रूल्स एंड पॉलिसी के अंदर आप देख पा रहे हो ऑलरेडी मेरा लैन टू वैन के बीच में एक डिफ़ॉल्ट रूल बना हुआ है और वैन टू लैन ग्रुप के अंदर एक डिफ़ॉल्ट रूल बना हुआ है। इसको मैं अभी ऑफ करता हूँ और नया रूल क्रिएट करता हूँ। नया रूल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले ऐड फायरवॉल रूल में आएंगे, न्यू फायरवॉल रूल करेंगे। यहाँ पर मैं एक रूल बनाता हूँ, टेस्ट वन टू लैन, वन टू लैन टेस्ट रूल, और इसे हम लोग टॉप में रखेंगे और इसकी ग्रुप रखेंगे वन टू लैन के अंदर। इसकी लॉग करेंगे, इसकी सोर्स जोन जो होगा वो होगा वैन, और डेस्टिनेशन नेटवर्क आप एनी रख सकते हैं। बेटर आप अगर विद इन द कंट्री अगर यूज़ करना चाहते हैं, सपोज़ आप इंडिया के अंदर सिर्फ रखना चाहते हैं, इंडिया इंडिया ओनली, तो आप यहाँ पर सिलेक्टेड कंट्री नेटवर्क भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि जितना भी पब्लिक आईपी वैन के थ्रू आएगा आपकी लोकल नेटवर्क को रीच करेगा, लोकल पर्टिकुलर होस्ट को जो आप फॉरवर्ड कर रहे हैं, चाहे वो RDP के लिए हो, चाहे वो कोई वेब पोर्ट हो, जो भी पोर्ट आप होस्ट कर रहे हैं बाहर में, तो वो ओनली इंडिया नेटवर्क को ही रीच करे, इंडिया नेटवर्क से ही आए। आप कोई चाइना या अदर कोई कंट्री से कोई नेटवर्क जो है ना इसके अंदर से पास ना हो, ताकि आपका नेटवर्क और ज़्यादा सुरक्षित रहे। इसके बाद हम लोग डेस्टिनेशन जोन करेंगे लैन, और लैन के अंदर आने के बाद हम लोग डेस्टिनेशन नेटवर्क के एक होस्ट को चूज़ करेंगे। डेस्टिनेशन नेटवर्क की हम लोग कौन सी पोर्ट में इसे देना चाहते हैं, जैसे पोर्ट 2 में हम लोग देना चाहते हैं इसे। पोर्ट 2 मेरा मान लीजिए वैन पोर्ट है, अभी इसके अंदर कोई IP नहीं है, आपका वैन पोर्ट में जो भी IP होगा वो आप दे सकते हैं। और मैं इसे जो यहाँ पर जो पास कराना चाहता हूँ वो है HTTP प्रोटोकॉल पास कराना चाहता हूँ, यानी पोर्ट 80। आपको यहाँ पर एग्जीक्यूशन अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर सोर्स जोन डेस्टिनेशन जोन के हिसाब से आप कुछ डिवाइसेस और कुछ चीज़ों को यहाँ पर एग्जीक्यूशन में डाल सकते हैं। वेब फिल्टरिंग अगर आप रखना चाहते हैं या फिर HTTP स्कैनिंग वगैरह आप अगर रखना चाहते हैं, मैलवेयर स्कैनिंग वगैरह रखना चाहते हैं, तो इसे आप चेक करेंगे। इसके बाद आप लोग सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वहाँ पर वो है आपका IPS पॉलिसी। IPS पॉलिसी के लिए आपका यहाँ पर वैन टू लैन जोन जो है ना सिलेक्ट होना चाहिए, ऑलरेडी प्री डिफाइंड रूल है। इसे करने के बाद हम लोग इसे सेव करेंगे। नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे नेट रूल के अंदर जाएंगे। आप यहाँ पर टेस्ट रूल आपका क्रिएट हो चुका है, इसके बाद हम लोग नेट रूल पर आएंगे। नेट रूल पर आने के बाद न्यू नेट रूल करेंगे, टेस्ट वन रूल करेंगे, नाम देंगे। इसके बाद सोर्स जो नेटवर्क है वो आप यहाँ पर ओरिजिन नेटवर्क सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने इंडिया सेलेक्ट किया था, इंडिया ओनली ट्रैफिक यहाँ आना चाहिए। डेस्टिनेशन आपका है पोर्ट 2, जो आपका वन पोर्ट है उससे आएंगे। ओरिजिनल सर्विसेज जो है, जो आपकी सर्विसेज होगा, जैसे मेरा सर्विसेज था HTTP सर्विसेज है। इसके बाद हम MASQ को ऑन करेंगे SNET के लिए। इसके बाद अब यहाँ पर आप अपने पर्टिकुलर जो नेटवर्क में जिस HTTP सर्वर को आप पास कराना चाहते हैं उस सर्वर होस्ट को यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर टेस्ट होस्ट के नाम से एक टेस्ट होस्ट बना रहा हूँ, जिसके IP मैं दे रहा हूँ 10.10.30.200, और इसे सेव कर रहा हूँ। और यहाँ ट्रांसलेटेड पैट नेट जो होगा वो आपका होगा अगेन HTTP। इसके बाद इनबाउंड ट्रैफिक और आउटबाउंड ट्रैफिक आप एनी रख सकते हैं। आप अगर यहाँ पर लोड बैलेंस वगैरह यूज़ करते हैं, डबल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ बैलेंस भी रख सकते हैं। इसके बाद इसे हम लोग यहाँ पर सेव करेंगे। तो आपका ये फॉरवर्डिंग रूल बन चुका है। इस फॉरवर्डिंग रूल के अगेंस्ट में आपका वैन टू लैन आपका फायरवॉल रूल भी बना हुआ है, जो कि यहाँ काम कर रहा है, और नेट रूल के अंदर आपका नेट काम कर रहा है, जो कि टेस्ट रूल के नाम से है। इसे आप टॉप में रख सकते हैं मूव करके, ताकि ये सबसे पहले हिट हो। तो इस तरह से आप वैन टू लैन जोन के अंदर
रूल पास करा सकते हैं, नेट रूल बना सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर सर्विसेज लाइक रिमोट डेस्कटॉप हो या फिर कोई आपका वेब सर्वर हो या फिर आपका कोई FTP सर्वर हो जिसे आप पब्लिकली होस्ट करना चाहते हैं, उसे आप इस तरह से फायरवॉल के थ्रू फॉरवर्ड कर सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।